हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंटली टाइम हो रहा है 3:27 और अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करके अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे मैंने कल के सेशन में जो कहा था कि जो अगर बैंक निफ्टी मॉर्निंग में 43,900 या 44,000 के आसपास होता है तो हम सेलिंग की एक पोजिशन क्रिएट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे मार्केट एग्जैक्ट हमारे ही पॉइंट पर खुला, जो लेवल हम डिसाइड करके बैठे हुए थे उसी एरिया के पास खुला। आप देखेंगे ओपनिंग हुई है 43,950 पर और उसके बाद से अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली फॉल दिखाया बैंक निफ्टी में। कोई भी जो सपोर्ट एरिया था उस पर सपोर्ट नहीं लिया, 43,700 के आसपास का जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक करा और कंटिन्यूसली फॉल करता रहा। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो हमारा अचीव हुआ था बैंक निफ्टी में। इसलिए ट्रेडर्स मैं हमेशा बोलता हूँ अपने जो हम लेवल डिसाइड करते हैं प्री मार्केट में, जो प्री मार्केट में या पोस्ट मार्केट में, उनको हमेशा नोट करके रखा कीजिए। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगले दिन इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। करंटली अगर आप देखेंगे तो 43,500 का एरिया जहाँ पे बहुत टाइम तक हॉल्ड किया था बैंक निफ्टी ने, उसी एरिया के पास अगर आज देखेंगे तो एक सपोर्ट लिया है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न किया है, डब्ल्यू पैटर्न बनाकर अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। करंटली अगर देखेंगे ट्रेड कर रहा है 43,800 के आसपास, 43,700 से 43,800 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कल के सेशन में गैप अप ओपन होता है ट्रेडर्स 43,800 के ऊपर तो हम एक पोजीशन क्रिएट करेंगे अपसाइड में, जो बैंक निफ्टी को 44,000 के आसपास फिर से लेके जा सकता है। क्योंकि अभी देखेंगे कंसर्न करंटली टाइम पे तो हम इसी एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर कल के सेशन में या फिर इसी तरह यहीं पे फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद जिस तरफ भी ब्रेकआउट देता है उसी तरफ हम ट्रेड लेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद हम सीधे जो ट्रेड लेंगे बैंक साइड में लेंगे, जो कि जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 44,000 के आसपास का, 43,900 से लेकर 44,000 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसी एरिया के आसपास, इसी जो ये जोन है जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहे हैं, इसी एरिया पर ओपन होकर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारे 43,500 का। तो ये दोनों लेवल आपको नोट करके रखने हैं, कल के सेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अब देख लेते हैं हम निफ्टी में हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में देखेंगे ट्रेड, निफ्टी में भी हमने कल ये बयान किया था कि अगर बैंक निफ्टी 18,344 के आसपास ओपन होता है, फिर 317 के आसपास ओपन होता है तो हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। और वही हुआ कि देखेंगे उसी एरिया के आसपास खुला, जैसे बैंक निफ्टी हमारे लिए गैप ओपन हुआ उसी हिसाब से यहाँ पर भी थोड़ा सा अप साइड ओपन हुआ। उसके बाद से इसका पूरा सेल ऑफ देखने के लिए मिला पूरे दिन में मार्केट में। अगर देखेंगे प्राइस एक्शन था जो डाउन साइड ही बना रहा, लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करता गया निफ्टी पर। करंट टाइम में, करंट सिचुएशन इस टाइम देखेंगे तो एक अच्छा रिवर्सल दिखाया है। जो लेवल था 18,100 का, उस लेवल से एक बाउंस बैक दिखाया है यहाँ पर और इसके ऊपर 18,200 के ऊपर, 200 के आसपास क्लोजिंग दी है। बट ये एक जो रेंज है, ये यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है निफ्टी कल के सेशन में। अगर गैप अप होता है तो हम इसमें एक अपसाइड पोजिशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि 220 का लेवल पहले ही बहुत अच्छा सपोर्ट का वर्क कर सका है, कर चुका है। अगर 220 के ऊपर ओपन होता है और 5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है तो हम एक अपसाइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे, नहीं तो इसी एरिया के पास कंसोलिडेट होकर जिधर एक साइड मोमेंटम देगा या फिर जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा उसी तरफ को ट्रेड लेंगे निफ्टी में। तो ट्रेडर्स निफ्टी के भी लेवल आप लोग नोट कर लीजिएगा, कल के सेशन में आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर ट्रेडर्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।